समर सीजन में अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप वीज़ा ग्रांट होने के चांसेस भी ज़्यादा इसलिए होते हैं क्योंकि कनाडा टूरिस्ट स्पॉट है, टूरिस्ट प्लेस है और यहाँ पर टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं। हेलो बडी, हाउ इज इट गोइंग? हाय ब्रो, हाउ आर यू? फाइन एंड यू? आई एम फाइन। यू लाइक स्नो और यू लाइक रेन? No snow, no rain. I want a sunny. You want a sunny day. Hello and assalamu alaikum, bajis and bajis. To adapt number is ban. Ali Jannat, all the way from Canada. आप कनाडा आना चाहते हैं, कनाडा के लिए विजिट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका सवाल है कि कब अप्लाई करना चाहिए। तो इसका जवाब ये है कि इससे पहले, चूंकि जो विंटर सीज़न गुजरा है उसके मुकाबले में समर सीज़न में अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि यहाँ पर टूरिज़्म के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी दुनिया से टूरिस्ट आते हैं और ज़्यादातर जो एक्टिविटी होती है, जो सरगर्मियाँ होती हैं, वो समर सीज़न में ही होती हैं, यानी अप्रैल के एंड के बाद, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त और उसके बाद सितंबर तक ये सिलसिला चलता रहता है। और वीज़ा जो रेशो है, वीज़ा ग्रांट होने के चांसेस भी ज़्यादा इसलिए होते हैं क्योंकि टूरिज़्म इंडस्ट्री ज़्यादा एक तरह से, क्योंकि कनाडा टूरिस्ट स्पॉट है, टूरिस्ट प्लेस है और यहाँ पर टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं। तो इस हवाले से हम बात करेंगे कि यहाँ पर आ रहे हैं। हेलो बडी, हाउ इज इट गोइंग? हाय ब्रो, हाउ आर यू? फाइन एंड यू? आई एम फाइन। इट्स नाइस, इट्स नाइस रनिंग। यस, एंजॉय, enjoy. What's up? Enjoying this day? Enjoy this rain? Yes. Enjoying this rain? Yes. You like snow or you like rain? No. No snow? No snow, no rain. I want a sunny. You want a sunny day? जैसा कि यूक्रेनी ब्रो ने कहा कि उसको भी लाइक सनी डे पसंद है, तो यहाँ पर चूंकि गर्मियों में कनाडा सबसे बेस्ट लोकेशन, बेस्ट स्पॉट है क्योंकि यहाँ लोग आते हैं घूमने के लिए। तो खैर, मैं बात कर रहा था कि अगर आप यहाँ पर आना है, यहाँ आपका मकसद क्या है? सबसे पहले तो सवाल ये है कि क्या आपको अब आना चाहिए और आकर आप यहाँ सेटल होना चाहते हैं और आप यहाँ क्या करना चाहते हैं? आपका मकसद है कि परमानेंट रेजिडेंसी हासिल की जाए, यहाँ पर जॉब करेंगे या अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, या अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आना चाहते हैं, तो उस टॉपिक पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आप टूरिस्ट वीज़ा के लिए या विजिटर वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए राइट टाइम है, यानी इससे पहले जिन लोगों के वीज़े रिजेक्ट हुए, ज़ाहिर है विंटर में यहाँ पे चूँकि सर्दी होती है और हार्श विंटर होता है और चीज़ें ज़्यादा उस तरह से, समर के मुकाबले में आपको मालूम है कि विंटर में चूँकि चीज़ें ज़्यादातर इतनी एक्टिविटीज़ नहीं होती, तो आपके पास एक जो पर्पज़ ऑफ़ ट्रैवल है वो विंटर के मुकाबले में समर में आपको एक सॉलिड रीज़न है कि आप यहाँ आएंगे, डिफरेंट स्पॉट्स को आप एक्सप्लोर करेंगे। बेसिकली आप डेटा निकालें तो आपको मालूम हो जाएगा कि हर साल यहाँ पर जो टूरिस्ट आते हैं और उनकी जो टॉप डेस्टिनेशन है, सबसे पहले वो ओंटारियो और टोरंटो और उसके बाद ब्रिटिश कोलंबिया, वैंकूवर और उसके बाद क्यूबेक, मॉन्ट्रियल, इन टॉप स्पॉट्स को वो एक्सप्लोर करते हैं। उसके अलावा बाकी जो प्रोविंसेस हैं, बाकी जगह हैं, वहाँ पर भी जाते हैं, लेकिन ऑन एवरेज अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। तो आप अगर टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ, इससे पहले ये वीडियो में हम बात कर चुके हैं, आपकी स्टेटमेंट जो है वो नेचुरल होनी चाहिए, ट्रांजैक्शंस नेचुरल होनी चाहिए, रियल होनी चाहिए और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ आप अप्लाई करेंगे, आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री और इसके अलावा आपका जो जॉब ऑफर है, जॉब लेटर है, जो वो भी साथ आप अटैच करेंगे, या बिज़नेस कर रहे हैं वो बिज़नेस के हवाले से लेटर आप अटैच करेंगे, यहाँ का इन्विटेशन है, आपको बिज़नेस इन्विटेशन है, यहाँ आपके रिलेटिव की जानिब से जो इन्विटेशन आपको दिया गया है वो साथ में आप अटैच करते हैं। और इसके साथ साथ ट्रैवल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने बात की थी कि आपकी होटल बुकिंग और ईच एंड एवरीथिंग, सारी चीज़ें रियल होनी चाहिए। लेट्स से अगर आपके पैसे लगते हैं 40-50,000 या थोड़े ज़्यादा लग गए पैसे, तो वो आपको लगा लेने चाहिए, चीज़ें आपकी जेन्युइन होंगी, बजाय इसके कि किसी एक चीज़ पे आपकी रिजेक्शन आ जाए, चूँकि AI सिस्टम चूँकि वो ऑटोमेटिकली चीज़ें डिटेक्ट करता है, तो आप किसी के कहने पर वो बाजू का होता है ना कि हम फलाने होटल की बुकिंग जो है वो डमी करा लेते हैं या एयरलाइन के टिकट जो है वो डमी करा लेते हैं। ईच एंड एवरीथिंग आपके पास नेचुरल होना चाहिए, रियल होना चाहिए, तो होपफुली आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं विजिट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा ग्रांट होने के। इस पर हम डिटेल से बात कर चुके हैं पिछली वीडियो में। और उसके अलावा अगर आप खुद अप्लाई करना चाहते हैं विजिट वीज़ा, तो वो भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, वो भी लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, आपने खुद कैसे अप्लाई करना है वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं खुद ही। और अगर आप किसी कंसल्टेंट के जरिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप पैसे देना चाहते हैं, तो ज़रूर अप्लाई कीजिए, लेकिन साथ में आप चीज़ों को वेरीफाई खुद कीजिए, क्रॉस चेक खुद कीजिए कि क्या डेट्स डाली हुई हैं उन्होंने, एक तो ट्रैवल हिस्ट्री है, दूसरा इसके अलावा जो आपका प्रोग्राम, जो प्लान आप दे रहे हैं कि आपने इन डेट्स को आना है, आपकी छुट्टी जो ऑफिस की तरफ से दी गई है वो इन डेट्स को है, वो तमाम तो चीज़ें मैच करनी चाहिए। क्योंकि अक्सर बेशतर आजकल यही देखने में आता है कि आप कंसल्टेंट के जरिए कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद आप जब देखते हैं फॉर्म तो काफ़ी
काफ़ी गलतियाँ होती हैं उसमें, तो बजाय इसके कि बाद में अफसोस करने के यार उस छोटी सी किसी गलती की वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाए, तो आप ज़रूर वेरीफाई कर लें और ख़ुद भी आप कर सकते हैं। और दूसरी बात हम करते हैं कि यहाँ पर आकर आपने आगे सोचना है कि यहाँ आके उसको स्टेटस चेंज करना चाहते हैं, वो चीज़ें देखिए डिफरेंट, अब चूँकि टाइम जैसे जैसे गुजर रहा है पहले से हालात जो हैं वो तब्दील होते जा रहे हैं, यानी एक साल पहले दो साल पहले जो सूरत हाल थी किसी भी एंगल से आप ले लें, जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ पर रिहाइश के पॉइंट ऑफ व्यू से, रेंट अकोमोडेशन ग्रॉसरी के हवाले से, आप किसी भी एंगल से अगर मुवाजना करें तो चीज़ें डिफरेंट हैं और अब सूरत हाल तब्दील होती जा रही है। तो यहाँ अगर आपने स्टेटस चेंज कराना है या नहीं वो एक अलग मामला है, लेकिन इसके अलावा अगर आप टूरिस्ट एज अ टूरिस्ट आ रहे हैं, आपने जो दो हफ्तों का तीन हफ्तों का जो प्लान दिया है वो आप करके वापस जाएंगे, तो तमाम तर रियल डॉक्यूमेंट्स के साथ आप अप्लाई करते हैं तो होपफुली आपका वीज़ा ग्रांट होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, वीज़ा ग्रांट हो सकता है बजाय इसके कि आप किसी कहने पे आप अप्लाई करें या अनरियलिस्टिक चीज़ें हों, आपके बैंक स्टेटमेंट हो, यानी आपने किसी से पैसे लेकर अकाउंट में रखे और आपने सोचा कि अप्लाई कर लिया जाए तो वीज़ा आपका ग्रांट हो जाएगा, नहीं, आपने अगर टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है तो उसके तमाम रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है जो सही होने चाहिए, और उसके बाद अगर आप टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हैं उस एंगल से भी आपने देखना है, तमाम तर रिक्वायरमेंट्स आपकी पूरी होनी चाहिए, अप्लाई करने से पहले तैयारी करके चीज़ें प्रॉपर करके फिर अप्लाई कीजिए। और जो आपका सवाल था कि क्या आप आना चाहिए नहीं आना चाहिए, तो अगर आप आना चाहते हैं अप्लाई करना चाहते हैं तो विंटर के मुकाबले में, यानी जो सर्दियां गुजरी हैं उसके मुकाबले में अब जो सीज़न आ रहा है ये ज़्यादा बेहतर है, इसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर आप स्टैट्स निकाल के देखें तो ज़्यादा जो टूरिस्ट हैं जो विज़िटर हैं वो इसी टाइम इसी ड्यूरेशन में आते हैं और उनके वीज़ा भी ग्रांट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो एक बार फिर से रिपीट करूँगा कि अगर आप आना चाहते हैं तो मुकम्मल तैयारी के साथ प्रॉपर प्लानिंग के साथ अप्लाई कीजिए और तमाम तर आप रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेंगे तो होपफुली आपको वीज़ा ग्रांट होगा। इसी के साथ ही आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन मेरा और आपका अल्लाह मालिक।